पतंग पार करते देखो ये मुड्डेदार वाला बीच में आ गया हट्टा मारने, पहले इसी को समेटते हैं, नीचे से मेरी रही, देखो मांगदार वाली दिख रही होगी ऊपर से कहाँ गया, ये आया देखो आया आया, रखा इसने, मैंने बस चक्कर पे डाल दी, उसके अंदर गिर रही थी काट दी। हवा यार क्या कह रही है हवा, हवा देखो आप यार क्या पतंग जा रही है बढ़ के यहाँ पे, ये चला ऊपर से फिर बनाया, बना लिया गद्दा मारा, सीधा गद्दा मारा काट दिया, अभी पतंग आ गई मुझे लगा घुस गई थी पतंग, लेकिन आ चुकी है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल काइट लवर ऑफिशियल। भाई आज हम मांगदार पतंग उड़ाने वाले हैं, वैसे ही एक दो दिन से बारिश हो रही थी, बड़े दिनों के बाद हमने आज पतंग उड़ाई है, और अब तक जो आपको वीडियो मिल रही थी ना वो एक दो दिन पहले की थी, तो आज थोड़ा बहुत मौसम खुला है, देखो सामने पतंगबाजी अच्छी खासी हो रही है, इस पतंग को जल्दी से उड़ाते हैं फिर आपको काट के दिखाते हैं औरों की पतंग। तो ये रही पतंग ऊपर देख लो, एक बंदा हमारे सर के ऊपर ही उड़ा रहा है ये मुड्डेदार वाला, और ये मैं आपको 100% गारंटी ले सकता हूँ ये मेरे डालेगा जरूर सद्दी में, तो इससे पहले ये मेरी सद्दी में डाले मैं इसको पहले ही काट दूंगा। तो देखो ये पतंग मैंने पार करी, हवा देखो यार काफ़ी मस्त हवाएं चल रही है, एकदम बढ़ के जा रही है पतंग मज़े से। अब वो बंदा कहाँ गया यार, वो मेरे सर के ऊपर ही मंडरा रहा, मुझे डर लग रहा है कि पहले ही न डाल दे। देखो फिर आ गया देखो भाई, इसने बहुत दुखी करा मुझे। चलो यार सद्दी अद्दी बांध बाद में बांधेंगे, पहले इसी को काटते हैं, अब रुक जा तू। तो सद्दी में बाद में बांधूंगा, पहले इसी को काटता हूँ, दिखाता हूँ आपको काट के। वो ये आ गया मेरे हाथ में, मांझा ही चला रहा हूँ मैं, पेस फंसा लूँ तो भी सही है, या खींच के भी काट सकता हूँ। ये चला अंदर को मारा उसने, मैंने चक्कर ऊपर डाल दी, देखो उसकी पतंग अंदर की गिर रही थी, मैंने चक्कर ऊपर डाली और उसकी पतंग वहीं कट गई। अगर कोई सीधा गद्दा मारे या फिर अंदर गिरता मारे तो चक्कर ऊपर भी डाल सकते हो, उसने सीधा गद्दा जैसे ही मारा चक्कर ऊपर डाल के देखो पतंग कट चुकी है उसकी। तो अब हम पतंग और लंबी करते हैं और फिर आगे आपको लड़ा के पेस दिखाते हैं। अभी बंदे ने लपेट ली पतंग, इसको काटता हूँ पहले मैं, देखो ये चला हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा था, अब ये निकल गया, दोनों की पतंग एक साथ काटता, लेकिन हवा एकदम सीधी पड़ी है, मैं लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा था, वो पतंग बचा के ले गया। अभी मज़ा आता है कोई पतंग लपेट के ले जाना, उसकी जरूर काटो, तू लपेटी कैसे तूने यार, पेड़ लड़ाते नहीं और पतंग पहले लपेट के ले जाएंगे। यहाँ पे देखो एक और पेज आ गया राइट सर्कल के अंदर, मेरी पतंग ऊपर चढ़ा रहा हूँ, नीचे से हमारा अपोनेंट आ रखा है ब्लू सर्कल के अंदर, ये बंदा हमारे राइट हैंड साइड चढ़ा रहा है। एक गलती मुझसे ये हो गई, बंदा मेरे पीछे से उड़ा रहा है, मैंने इसे नीचे का हाथ दे दिया है, तो दिक्कत हो सकती है हमें। रखा मैंने, अंदर गिरता मारा, उसने सीधी खींची ले गया, वो गलती यही हो गई, पीछे से उड़ा रहा था भाई, बहुत ज़्यादा उसने झोल मेरा तोड़ लिया था, क्योंकि हल्का सा भी अंदर आता है एकदम मेरे हाथ के पास। पतंगे देख लो आप यहाँ पे यार, चारों तरफ आपको पतंगे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे देखो एक पेज ये लड़ता हुआ ऊपर, क्लब वालों की पेज लड़ाइए, और उधर देखो बच्चे अच्छी उड़ा रहे हैं, अभी हमारी तरफ लड़ जाते तो हम पतंग वतंग भी लूट लेते। ये देखो रखा ऊपर वाली ने, रख दिया है, ऊपर से मांगदार लड़ रही है, नीचे से पट्टीदार है, फिर उठाई पट्टीदार वाली ने, बीच में फिर रखा, रोक ली, बाहर की निकलना काफ़ी तेज़ी निकला बाहर की, अब ये गिरा दिया, क्या पतंग गिराई है यार। देखो बाहर का डायगोनल पार्ट मारा था नीचे वाले ने, और ऊपर वाला बाहर की जैसे ही निकल रहा था डोर टच हुई, वो कट चुकी उसकी पतंग, और लपेटने देखो कितने ऊपर, देखो और भी पतंगें तंगे खड़ी हैं, दो दो का शौक हो रहा है बढ़िया करके एकदम। यहाँ पे हमने फिर से पतंग पार कर ली रेड सर्कल के अंदर, मेरी पतंग ने नीचे से एक बंदा आ रखा है ब्लू सर्कल के अंदर, ये आया, मैं उसके ऊपर चढ़ता हुआ एकदम सामने से उड़ा रहा है ये बंदा मेरे। अब मैं नीचे से हो गया हूँ, वो बंदा ऊपर से उड़ाएगा, ये गया मैं डाला चक्कर दिए काट दी उसकी पतंग, देखो मैंने काट दी सामने, आपको पेड़ आ गया होगा तो शायद आपको पेज नहीं दिखाओ, लेकिन पतंग हमने देखो उसकी काट दी है। पहले वो बंदा नीचे से आ रहा था, लेकिन वो जैसे उसने पतंग निकाली, मुझे मौका मिला, मैं नीचे से घुस के पतंग काट दी उसकी। एक और पेज रेड सर्कल मेरी नहीं, नीचे से अपोनेंट ब्लू सर्कल के अंदर, राइट हैंड साइड आ रहा है ये बंदा, बनाया बाहर का फिर रोकी, अंदर गिरता मारा है, और देखो वो बाहर की खींच रहा था, मैंने अंदर गिरता मारा, एक और पतंग काट दी। आजकल ना ज़्यादा लोग तेज हमें, आपको पता ही, ज़्यादा लोग आर पार ही खींचते हैं, कोई डिजाइन नहीं डाल पाता तेज हमें, तो हमें क्या करना, अंदर गिरता मारना ऊपर से, सामने सूरज देखो कितनी तेज़ पड़ रहा है, इतनी तेज़ धूप में आपके लिए पतंगबाजी कर। अब पेज फंस गया हमारा, पेज फंस चुका है काफ़ी लंबा, देखते कौन काटेगा। अब यार अपनी कट गई, तो यार जैसे मैं वीडियो ऑन कर रहा था उस बंदे ने मेरे उसमें पतंग डाल दी, और यहाँ पर पेज जैसे ही फंसा था हमारी पतंग कट चुकी है। अब कल की क्या बताऊँ, आज तो हवा और भी तेज़ है, शायद आपको हवा की आवाज़ आ रही होगी, पतंग अभी आप देखना कितनी तेज़ मेरी बढ़ के जाएगी।
कल हमने पतंगबाजी करी थी उसमें हवा तेज़ थी, लेकिन आज तो भाई उससे भी ज़्यादा तूफान है। ये देखो कितनी तेज़ हमारी पतंग भाग रही है। बारिश के बाद जो पुरवाई खुलती है ना उसमें दम ही अलग होता है यार। ये हवाएं एकदम लंबे पे लड़ाओ डोरा लगा लगा के, मज़ा आ जाएगा। खिंचाई का तो काम ही नहीं है सब हमें, लेकिन छोटे पेज अगर हम लड़ाते हैं तो खिंचाई कर लेंगे, लेकिन लंबा पेज तो भाई आपका फंसेगा ही फंसेगा। तो पतंग वाली मांगदर पार हो गई, इससे लड़ा के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा पेज आ गया, लंबे पेज में लड़ा रहा हूँ, बीच में देखो थोड़ी बहुत पतंगें आपको दिख रही होंगी, तो इनसे बचा बुचू के हमें आगे पतंग लड़ानी है। तो सामने जो आपको पतंग दिख रही होगी रेड सर्कल के अंदर काफ़ी लंबी, ये मेरे लिए नीचे से लड़ा रहा हूँ मैं। ऊपर से एक बंदा आ रखा देखो ब्लू सर्कल के अंदर आपको दिख जाएगा, ये बंदा हमारे राइट हैंड साइड लड़ा रहा है। तो ये चला मैं उसके अंदर, मुँह पकड़ता वो और अंदर गया, फिर वो भाग रहा है निकल के, निकलने नहीं दूंगा अब इसे, इसकी पतंग काटनी है। बाहर निकाली मैंने, फिर चढ़ते हुए आया, निकला बाहर की मैं काट दी। वो जैसे नीचे चढ़ते हुए आया तो उसका झोल हवा में उड़ा और मैंने झोली काट दिया उसका, क्योंकि पतंग उसकी बिना हवा में आ गई थी। तो इस वाली पतंग से पहला पेज काट दिया और काट के दिखाते हैं आपको। एक और पेज लड़ता हुआ यहाँ पे सामने देखो, काफ़ी पतंगें उड़ रही हैं। तो अब की बार हम पेज लड़ाएंगे ऊपर का, नीचे का एक पेज काट रखा हमने। तो रेड सर्कल के अंदर जो पतंग दिख रही है आपको सामने, ये मेरे लिए ऊपर से, नीचे से हमारा अपोनेंट आ रहा है ब्लू सर्कल के अंदर, काफ़ी तेज़ी से हाथ की तरफ बढ़ता हुआ, ये बनाई फिर भाग गया और अंदर आ गया। ये मुझे पता बाहर की खींचेगा सपाटी, मैंने गद्दा मार दिया, अंदर गिरता हुआ फिर काटा। अब देखो अगर कोई ज़्यादा अंदर आ जाए ना तो उसके दो ही चांस है, या तो वो अंदर की खींच देगा या बाहर की निकालेगा। बाहर की उसने जैसे निकाली मैंने अंदर गिरता मार दिया, अंदर की खींचता तो मैं भर्रा फेंक देता इतनी तेज़ हवा में। तो दोनों उसी के चांस थे कटने के, पतंग काट दिए। मैं आ गया हूँ अपने लेफ्ट साइड में लड़ाने, यहाँ पे एक पतंग उड़ रही थी रेड सर्कल के अंदर मेरी रही, ऊपर से नीचे से अपोनेंट आ रखा ब्लू सर्कल के अंदर। हवा थोड़ी सीधी है, मैं बिना हवा में आता हुआ बनाया, फिर उसने बचा ली, फिर गया मारा। अरे यार बार बार बचा ले रहा हूँ पट मार के। वो बंदा पता नहीं क्या करना चाह रहा है, फंसाना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर बनाया, भर्रा फेंका मैंने, पतंग उठाई, अरे अब क्या चले गई। जैसे ही पतंग उठाई उसने अपनी डोरों पे रख लिया मुझे, और इतनी तेज़ हवा में अगर कोई डोर पे रख ले तो आपकी तो भाई खत्म है, आपकी पतंग वही पतंग कट चुकी है। अब भाई पीछे दिखाओ ना, तो बादल देखो, पतंगबाजी भी देखो, पीछे से बादल देखो कितना भयंकर बादल उठ रहा है। तो भाई लगता है बारिश वारिश आने वाली है, और पीछे पतंगें देखो क्या कट के आ रही है, एकदम लाइनों से पतंगें कट के आ रही हैं। ये देखो ये पतंग कट के आई, और इधर को आप देखेंगे ना तो पीछे तक पतंगबाजी आपको दिखेगी, चारों तरफ पतंगें ही पतंगें उड़ रही हैं। ये देखो ये पतंग आ गई है, लेकिन अपने घर में नहीं आएगी, ये वहीं गिर जाएगी। तो दोस्तों यही थी वीडियो आज की, और ये वाली वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। देखो पतंग भी पकड़ ली गई, तो मिलते हैं फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो। और आपको कौन कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बता देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।